हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन फॉर द फॉसिलाइजेशन। ओके, तो मैं आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों को याद दिला दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट फिजिकल और केमिकल कंडीशंस हैं फॉसिलाइजेशन के लिए, जिसमें से आप कह सकते हैं कि आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस, डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस का क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि पिछले लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमारी कोल्ड क्लाइमेट होती है, ठीक है ना, और तो वहाँ पर जो है फॉसिलाइजेशन जो है वो इजीली हो जाता है। कंपैरेटिवली अगर हम लोग एरिड और ड्राई क्लाइमेट की बात करते हैं, देन उसके बाद केमिकल कंडीशंस, तो वहाँ पर जब हमारा कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है तो केमिकल कंडीशंस, वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस कैसी होती है, बैक्टीरिया कैसे रहते हैं, ठीक है, या फिर उसका मिनरलाइजेशन कैसे होता है, तो वो केमिकल कंडीशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉसिलाइजेशन के लिए। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में मीन्स हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं वो रिप्लेस किन मिनरल से हो रहे हैं, ठीक है ना। देन मिनरल सब्सटेंसेस, तो जैसा आप लोगों को पता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि फॉसिल्स के जितने भी हार्ड पार्ट हैं या सॉफ्ट पार्ट हैं, कई बार जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं आपके सेकेंडरी मिनरल से। तो सेकेंडरी मिनरल्स जो हैं आपके, जैसे कि कैल्साइट, सिलिशियस मटेरियल्स और आपका फेरोजिनस मटेरियल, उनसे रिप्लेस हो जाते हैं, जिनमें कि आपका प्री मिनरलाइजेशन और पेट्रीफिकेशन, ये जनरली कहाँ पर होता है, जब आपके प्लांट्स जो हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं सिलिका से या कैल्शियम से, और आपका प्लांट्स का पेट्रीफिकेशन हो जाता है, वो पूर्ण तरीके से कंप्लीटली चेंज हो जाता है आपका रॉक में, ठीक है ना, बट स्ट्रक्चर सेम रहता है। देन रिप्लेसमेंट ऑफ मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन जो है वो उसको रिप्लेस कर दे तो भी हमारा जो है फॉसिल्स की फॉर्म में वो एज इट इज़ प्रिजर्व हो जाता है। रिक्रिस्टलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन जनरली वहाँ पर होता है जहाँ पर कि आपका डायजेनेसिस प्रोसेस टेक प्लेस कर लेता है, और उन रॉक्स में भी क्या होता है कि जो आपके मिनरल रिप्लेस कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म को, उसका रीओरिएंटेशन हो जाता है अकॉर्डिंग टू क्रिस्टलोग्राफी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्रिस्टलोग्राफी अगर जो है आपका मिनरल्स का अलाइनमेंट चेंज हो जाए तो उसको रिक्रिस्टलाइजेशन कैटेगरी में रखते हैं। और कार्बोनाइजेशन, तो कार्बोनाइजेशन जो है वो काफ़ी कॉमन भी है और काफ़ी फेमस भी है। कार्बोनाइजेशन में आपका CaCO3 जो है वो रिप्लेस हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग इन सबको डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इन्वायरमेंटल कंडीशंस, तो फर्स्ट इन्वायरमेंटल कंडीशंस जैसे कि ऑर्गेनिज्म क्या होना चाहिए, वो एकदम से जैसे ही उसका डेथ होता है तो बरीड क्विकली। अगर वो जितनी देर इन्वायरमेंट में एक्सपोज रहेगा उतने ज़्यादा उसके डिसइंटीग्रेशन के चांसेस रहेंगे और उतने ज़्यादा उसका जो है अल्ट्रेशन के भी चांसेस रहेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली कंडीशन यही है कि जो भी ऑर्गेनिज्म हमारा डेड हो रहा है वो जल्द से जल्द सॉफ्ट सेडिमेंट्स के अंदर, सेडिमेंट्स के अंदर जो है वो बरीड हो जाए, ठीक है ना। तो जैसे कि इसमें बताया ही है मैंने कि उसमें जो है आपके बैक्टीरिया एक्टिवेट हो सकते हैं, उसका ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करती है जिससे कि उसका जो डिके है वो क्विकली हो जाता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ जो बरीड मैटर है उसमें क्या है, आपके लीच मिनरल्स, रिच वाटर के साथ अगर वो रिएक्ट करता है तो मिनरल जो है ऑर्गेनिज्म को रिप्लेस करने लगते हैं, रिप्लेस करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करता है कि वो एज ए स्टोन रिमेन ओरिजिनल टिश्यू में रह सकता है, जिससे कि हमें फॉसिल मिल सकता है। बेस्ट सेडिमेंट जो फॉसिलाइजेशन होता है, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, जैसे कि हमारी आर्जिलिशियस रॉक जिसमें मडी सपोर्टेड मटेरियल रहता है, वो रॉक्स में इनका फॉसिलाइजेशन ईजिली हो सकता है, और कैलकेरियस रॉक्स में भी, जैसे कि लाइमस्टोन और डोलोमाइट्स, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करते हैं लॉयस की, तो लॉयस में भी इनका फॉसिलाइजेशन हो सकता है, बस इसमें अल्टर्ड फॉसिलाइजेशन हमें मिलेगा। और वोल्केनिक एस भी जो है वो गुड जो है वो होस्ट मटेरियल है जो कि फॉसिल्स को होस्ट कर सकती है। इसके साथ साथ ज्योग्राफी, टोपोग्राफी और क्लाइमेटिक कंडीशंस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है फॉसिलाइजेशन के ऊपर। जैसे ज्योग्राफिक कंडीशंस मींस अगर हमारा जो है टुंड्रा स्टेट्स में हमारा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड होता है तो उसका ईजिली फॉसिलाइजेशन हो जाएगा कंपेरेटिवली इक्वेटर के, ठीक है ना। देन टोपोग्राफिक, टोपोग्राफिक में मीन्स अगर वो आपका डिप्रेशंस में कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड होता है तो वो ईजिली बरीड हो जाएगा, उसके ऊपर सेडिमेंटेशन हो
होना शुरू होगा तो वो इजीली बरीड हो जाएगा और जल्द से जल्द इन्वायरमेंट से उसका कट ऑफ हो जाएगा। कंपैरेटिवली अगर वो हाई रीसेस के ऊपर जो है वो वहाँ पर डेड होता है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर क्लाइमेटिक कंडीशन एज वेल एज द इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो है उसके ऊपर एक्टिवेट हो जाएगी। देन क्लाइमेट, क्लाइमेट वहाँ की कैसी है, कोल्ड क्लाइमेट है, हॉट क्लाइमेट है या मॉडरेट क्लाइमेट है, इसका भी फॉसिलाइजेशन के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। कोल्ड क्लाइमेट में ईजी होता है कंपेरेटिवली ड्राई क्लाइमेट्स के, ठीक है। और इसके साथ साथ जो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे कॉलोनीज में रहते हैं उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं हमारे फॉसिलाइजेशन होने के, या आपकी ग्रीग्रेस होते हैं जिनका फिक्स एक हैबिटाट होता है, बोरिंग और ब्रोविंग्स ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो आपके बिलों में रहते हैं, छेदों में रहते हैं, वो ईजिली जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉसिलाइज हो सकते हैं। ओके, देन ऑर्गेनिक सब्सटांसेस, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आपका बेसिकली आपका केमिकल एक्सचेंज कैन अकर बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड सेडिमेंट विच कंटेन इट, ठीक है ना। तो उसी के अंदर जो है आपका केमिकल सब्सटेंस जो है वो चेंज कर सकते हैं, मिनरल चेंज कर सकते हैं सेडिमेंट्स के साथ, जिसकी वजह से उसका भी प्रिजर्वेशन हो सकता है। जैसे कि इसमें हम इनको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि आपका न्यूक्लिक एसिड्स, ओके, जो कि आपका इंक्लूड करता है डीऑक्सीरो न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए जिसको हम बोलते हैं, और आपका रिबोन्यूक्लिक एसिड्स जिसको आरएनए बोलते हैं, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। तो ये भी हमारे जो है इनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में रखते हैं। हाँ, इसके साथ साथ जो है हमारे वाटर का पीएच भी जो है वो डिपेंड करता है कि फॉसिलाइजेशन वहाँ पर होगा नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमारे वाटर का पीएच जो है दैट इज़ ग्रेटर दैन 7.5, तो ग्रेटर दैन 7.5 में वो ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल्स जो है वो सिलिका से बनी हो वो डिजोल्व हो जाते हैं, तो उनके चांसेस कम होते हैं 7.5 पीएच से ऊपर के वाटर में प्रिजर्व होने के। और अगर हम बात करें अगर वाटर का पीएच 7.5 से कम है तो उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल्स जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं वो इजीली डिसॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। तो जो है वो आपका 7.5 जो आपका यही रीजन है कि जब आपका कैल्सिक सेडिमेंट्स होता है तो उसमें हमें सिलिशियस फोसिल्स जो है वो आसानी से नहीं मिलते और अब्सेंट होते हैं। तो इसका उल्टा भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा सकता है कि अगर आपका जो पीएच है दैट इज़ मोर देन 7.5 तो उसमें किस तरह के आपको फोसिल्स मिलेंगे। तो मोर देन 7.5 में आपको कैल्सिक फोसिल मिलेंगे और लेस देन 7.5 में आपको जो है सिलिसिक फोसिल मिलेंगे जिसमें कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिजोल्व हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद प्री मिनरलाइजेशन और पेट्रिफिकेशंस, तो प्री मिनरलाइजेशन और पेट्रिफिकेशंस में वो इसमें क्या होता है आपका कंप्लीट मिनरलाइजेशन होता है और जो भी आपके ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि प्लांट्स हैं, बोन्स, सेल्स एट्सेट्रा, वो सब प्रिजर्व हो जाते हैं और कम्प्लीटली मिनरलाइज भी हो जाते हैं। इसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, अगर आप कभी जैसलमेर जाएँ तो अक्कल वुड फॉसिल पार्क है जैसलमेर में, तो वहाँ पर उस फॉसिल पार्क में आप लोग पेट्रीफाइड वुड्स को जो है वो देख सकते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से प्रिजर्व किया है। बट कुछ जियोलॉजिस्ट या कुछ अति उत्साहित स्टूडेंट्स वहाँ पर जाते हैं जो उनको कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं ये भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप कभी इस पार्क को विजिट करें तो प्लीज़ वहाँ से फॉसिल्स को एज इट इज़ कंडीशन में रहने दें ताकि हमारे आने वाली नई जनरेशन भी उनको देख सके। इसके अलावा प्री मिनरलाइजेशन में अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ कैविटीज़ है, ओके, या प्लांट के अंदर कुछ कैविटीज़ है तो वो फील्ड हो जाती है सेकेंडरी मिनरल से, जैसे कि आपका कैल्शियम है, आयरन है और सिलिका है, तो वो भी फील्ड होकर आपका फॉसिल में कन्वर्ट हो सकता है। देन रिप्लेसमेंट ऑफ मिनरलाइजेशन, इसमें आपका कम्प्लीटली रिप्लेसमेंट हो जाता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस का और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इसको रिप्लेस करता है, जैसे सेकेंडरी मिनरल्स हैं, ठीक है ना। इसमें आपका पेट्रिटाइजेशन, हेमिटाइजेशन, कैल्सिफिकेशन, डोलोमिटाइजेशन, लिमोनिटाइजेशन एंड सिलिसिफिकेशन होता है, जैसे कि इसको हम क्या बोलते हैं। और यही जो मिनरलाइजेशन है ये आपका सूडोमॉर्फ या सूडो फॉसिल्स को जनरेट करता है। इसके अलावा रिक्रिस्टलाइजेशन, सो रिक्रिस्टलाइजेशन जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका था कि जब आप हमारा इनऑर्गेनिक मटेरियल ऑर्गेनिक मटेरियल को रिक्रिस्टलाइज कर देता है, ठीक है ना, सेल्स को रिक्रिस्टलाइज कर देता है और रिक्रिस्टलाइज मिनरल क्रिस्टलोग्राफिक ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग
उस लॉ को, क्रिस्टलोग्राफिक लॉ को फॉलो करते हैं तो वो आपका क्रिस्टल मोजाइक डेवलप करते हैं। तो रिक्रिस्टलाइजेशन में क्रिस्टलोग्राफिक लॉ को क्रिस्टल्स जो है वो फॉलो करते हैं और इसका एक मोजाइक भी जनरेट करते हैं। कार्बोनाइजेशन, कार्बोनाइजेशन में जैसे कि आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, विद चिटोनस। चिटोनस क्या होता है? एक क्रस्टेशियस और आउटर कावरिंग्स होती है ऑफ इंसेक्ट्स, जिसको जो चिटिन्स हैं वो आपके मिलते हैं सेल वॉल्स में, ठीक है ना। इसको चिटिन फंगई और एल्गी में भी ये हमें मिलते हैं। तो इसमें स्केल्टन्स लाइक ग्रेप्टोलाइट्स जो है वो आपका डिकम्पोजिशन हो जाता है और ऑक्सीजन को लूज़ कर देता है एंड नाइट्रोजन। सो परसेंटेज ऑफ कार्बन इसमें क्या करती है? इंक्रीज़ करती है। सिमिलर कन्वर्जन जो होता है वो जैसे कि हमारा वेजिटेशन से हमारा कोल का कन्वर्जन होता है, उसी तरह का कन्वर्जन आपका कार्बोनाइजेशन में भी होता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस है, कार्बोनाइजेशन प्रोसेस। देन इफेक्ट ऑफ डायजेनेसिस प्रोसेस। तो डायजेनेसिस प्रोसेस में क्या होता है? बेसिकली लीचिंग होने की वजह से, जैसे ग्राउंड वाटर की लीचिंग होती है, तो वो क्या करता है? कैल्शियम कार्बोनेट के स्केल्टन्स को या उनके पार्ट्स को कम्प्लीटली या पार्शियली रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। सम जो कुछ इनऑर्गेनिक मिनरल्स हैं वो सॉल्यूशन के साथ विद इन वाटर रिप्लेस कर सकते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को, और सिलिका सॉल्यूशन जो है वो रिप्लेस करता है कैल्केरियस स्केल्टन्स को जनरली। ये जनरली मैं बात कह रहा हूँ, इसका अपवाद भी वहाँ पर हो सकता है, ठीक है ना। देन रिक्रिस्टलाइजेशन जो है वो हार्डनेस बढ़ा देता है ऑर्गेनिक सेल्स की, जिसके उसके प्रिजर्व होने के चांसेस जो है वो भी आपके बढ़ जाते हैं। देन पेटराइजेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो पेटराइजेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपका क्या होता है? सेल फॉसिलाइज हो जाता है मॉडर्न प्रोकैरियोट्स की, जैसे कि ऑर्गेनिज्म जिनका सेल्स जो होता है वो कंटेन करता है डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस को और बाउंडेड बाय न्यूक्लियस इनवेलप, ठीक है ना। तो कंट्रास्ट इन जैसे कि आपका यूरोकाइटिक ऑर्गेनिज्म है तो इनमें डिस्टिंक्ट न्यूक्ली होता है, और प्रायोकाइट्स में इंक्लूड बोथ बैक्टीरिया एज वेल एज द आर्चिया विच अपीयर्स टू बी डिस्टिंक्टली रिलेटेड टू द बैक्टीरिया, ठीक है ना। जैसे कि आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है विथ थिक सेल वॉल्स, और इंक्लूड करता है सब आपका फर्मिक्यूट्स को, लाइक आपका डेसुलो फोटोमैक्यूलम स्पेसीज है जैसे कि आपका, तो ये आपका सल्फर बैक्टीरिया के अंतर्गत आपको मिलता है। तो इस प्रोसेस में हम इसको पायरेटाइजेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी नॉलेज को रिफ्रेश करेगा। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जल्द ही मैं आप लोगों के सामने फिर से नए लेक्चर के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक आप मुझे आज्ञा दीजिए। गॉड ब्लेस यू। और